अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को प्याज करेले बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में, जो कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और सब लोग हैरान हो जाएंगे अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने डाल दिए प्याज, ठीक है। 3 से 4 अदद प्याज डाल देने हैं और ऐसे बड़े साइज में काटने हैं आप लोगों ने प्याज। दूसरी तरफ करेलों को मैंने काट के बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए हैं, इसमें मैंने ज़रा सा नमक डाल दिया ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। और आप लोग देख रहे होंगे कि प्याज का भी कलर चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ठीक है। कुछ आप लोगों ने ग्रीन कलर के जो थोड़े से कच्चे टमाटर होते हैं वो ले लेने हैं और कुछ रेड से लेने हैं। ग्रीन कलर के लेने का मकसद ये है कि एक तो ये बहुत ही जायकेदार होते हैं और ऊपर से इसकी करेलों की कड़वाहट को ख़त्म भी कर देते हैं। दूसरी तरफ मैंने करेलों को बॉयल करके निकाल लिया था, अब ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। 3 अदद हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी इसमें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट इसको अच्छी तरह से प्याज और टमाटर के साथ भून लेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं इसको अच्छी तरीके से भून लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। 2 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है माशाल्लाह से, टमाटर और प्याज के साथ बहुत अच्छी तरह से ये भून चुके हैं हमारे करेले। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने इसमें यूज़ करना है। तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। 2 मिनट खुशबू आने तक पकाते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट वेट करते हैं ताकि अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। माशाल्लाह से अदरक लहसुन की भी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ मैं इमली को आप लोगों के सामने भिगो रही हूँ, ठीक है। इसका पानी हमें चाहिए। तो अदरक लहसुन की भी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, एक दफ़ा आप लोगों ने चम्मच को चला लेना है। इसके बाद इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दें, सालन मसाला डाल दें, साबुत धनिया डाल दें और हल्दी डाल दें। साबुत धनिया हाथों से आप लोगों ने थोड़ा सा क्रश कर देना है। उसके अलावा इमली का पानी आप लोगों ने इसमें डाल देना है, इससे इसकी कड़वाहट जो ज़रा रह जाए वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे हमारे करेले। तो जो जो स्टेप मैंने आप लोगों को बताए हैं उन स्टेप को फॉलो करके एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया। आप लोग देख रहे होंगे कि ऑयल भी निकलना शुरू हो चुका है। 5 मिनट इसको दम वाली आंच पर पकाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 मिनट मैंने इसको दम वाली आँच पर पकाया है और माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से हमारे प्याज करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये लग रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे। मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है। प्याज करेले एक नए अंदाज में तैयार हो चुकी हैं, जो कि करवाहट से बिल्कुल पाक हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।